कड़ी ये देख सकते हैं आप, कड़ी चावल बनाएंगे आज। और शायद हमारे लिए तो बचना है नहीं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं और लेट पहुंचेंगे। जय हो माता दीदी, साहिबान कदरदान और मेहरबान। तो ये है हमारे भाई लोग यहाँ पर काफी स्ट्रांग वाला। अभी हम लास्ट मंदिर के पास पहुँच के दिया बत्ती करके डुबू। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे डुबू डुबू बाबा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। दोस्तों सुबह की तैयारी हो चुकी है और ब्लॉगिंग भी शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप आ रहे हैं यहाँ पे दूध पीने के बाद अपने मनोरंजन खेल के साथ फिर से। और देखो कैसे देख रही है ब्लॉग में। दोस्तों ये है आरू की स्टाइल, जैसे सुबह दूध पीने के बाद ये खेलती है। तो हाय कर दो बाबा, हाय 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 कर दो, हाय। ये देखो हाय करने का स्टाइल इसको। तो दोस्तों हम लोग तो उठ गए हैं और इसकी मम्मी अभी उठी है, लेकिन यानी कि बिस्तर नहीं छोड़ रखा अभी हम लोगों ने। तो दोस्तों अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, दिखाएंगे हम आपको आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसी होती है और कहाँ कहाँ क्या क्या करना है हमने, वो सारी चीज़ें बताएंगे ब्लॉग में। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें हमारे चैनल। तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि अभी हमने जाना है अपने घर में और वहाँ पर अपने घर में इष्ट देव की दिया बत्ती करनी है, क्योंकि अभी हम आपको देने जा रहे हैं सरप्राइज जो कि कल मिलेगा आपको कल वाले ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जाएंगे अपने घर में, लेकिन आरू रहेगी अपनी नानी के साथ और हम लोग जाएंगे घर में। तो दोस्तों अभी तैयारी चल रही है क्या क्या सामान घर में ले जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत सामान हम छोड़ देंगे घर में और ये चीज़ें तैयार हो चुकी है, नाना धाना कर दिया है, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। तब तक आप भी तैयारी कर लो हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चलने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, जैसे ही निकलेंगे उसके बाद बताएंगे हम आपको। तो फ्रेंड हम लोग तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं आप आरू और आरू की नानी यहाँ पर रो रो के डटाल कर रहे हैं, क्योंकि स्कूटी के लिए बहुत रोती है वो देख सकते हैं आप। आरू की मम्मी तो पहुंच चुकी है गेट पे और दादाजी भी यहाँ पर नाश्ता वास्ता करके बैठ के धूप में। तो अभी चलते हैं, दिखाएंगे हम आपको आगे की जर्नी कैसी चलती है हमारी और घर में कब पहुँचते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं। उसके बाद हम लोगों ने दिया बत्ती करनी है, काफ़ी टाइम हो चुका है घर में वैसे भी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, तब तक बने रहें ब्लॉग में। और आंटी जी बना रही हैं आज मेथी की सब्जी, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनने वाला है। मेथी की कड़ी, कड़ी ये देख सकते हैं आप, कड़ी चावल बनाएंगे आज। और शायद हमारे लिए तो बचना है नहीं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं और लेट पहुंचेंगे। क्या पता अगर बच जाएगा तो शाम को फिर से हम भी रगड़ लेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देख सकते हैं आप लोग निकल चुके हैं घर से और अभी मेरे हाथ में स्कूटी और मोबाइल फोन। ये है कासनी की मार्केट, रहने की वजह से थोड़ा सा उपयोग करते हैं।
वो ताजी दिखेगी क्योंकि नीचे से मोबाइल दूसरी साइड से थोड़ा ताजी देखिए वो आ चुका है आर्मी एरिया जितना भी मोबाइल ले लेगा उसमें उसके बाद देखना इसको जब रुकने के बाद देखना
वेरी नाइस वाला हेलमेट है तेरा, वेरी नाइस वाला। किल्ला तो कहाँ बनाया था, मैं किल्ला नहीं बनाया था। हाँ पहला पहले कौन बना जो बुलबुल होंगे ना, पहले जो बुलबुल होंगे ना उनका कौन बनाएगी, ये जोड़ मसाला ना पता क्या है। और हाँ पहला अभी उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, अभी नीचे गिरा गया था। सकते हम लोग मंदिर में दिया बत्ती करके घर में, अब जाते हैं हम लोग दूसरे मंदिर पे, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है। तो यह थोड़ा सा अपना आशियान है, थोड़ा सा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये है अपनी गाय, इसकी जो बछड़ी थी बेचारी उसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि मर चुकी है। और ये है अपनी बबली, बबली कालो ले 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 ले, ये देखो कैसे ले ले वाला बोल के तुरंत आ जाता है। ये दिखाऊंगा मैं आपको मिसिज, गाड़ी अभी घर ही में रहेगी, गाड़ी लेने जाएंगे हम। दोस्तों इस बार जो अभी बीच में बारिश और जो ओले गिरे थे उसकी वजह से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मैसेज हो गई है रेडी, और अब हम निकलेंगे धीरे छोटे छोटे कदमों से मंदिर की तरफ। ये देखिए ये हाथ में क्या है, इसलिए स्टाइल स्टाइल सो नाइस यार, ब्यूटीफुल, काफी अच्छा दिखेगा रे गांव तो, माँ कसम तगड़ा वाला गांव दिख रहा है भाई अपना। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे गांव की सुंदरता और गांव के पहाड़ का नजारा कितना मस्त लग रहा है। ऊपर साइड में दिखाता हूँ मैं आपको पूरा, अच्छा जो मैं बोल रहा था ना ब्लॉगिंग के बारे में, ऐसे देख ऐसे कर रहा था ना, ऐसे ये हो गया नहीं, काफी दूर तक। और हाँ मैं अपने घर को दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देख सकते हैं आप ग्रीन वाला, आपको स्पर्श दिखाई देगा यहाँ पे और भी सही। अगर यहाँ पर कोई बंदा भी खड़ा होता ना तो वो भी दिख जाता है यार, देख सकते हैं आप, ये इसका जूम, लुट्टा भी दिख रहा है हमारा, डिश भी दिख रहा है। तो देख दिखाते हैं अभी कितना दूर है ये, ये देखो जूम आउट हो रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है घर हमारा। ये ट्रांसफार्म बहुत पुराना है दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं जय भगवती मैया, यानी कि माँ भगवती भूमिया जो भी है मंदिर उसके पास। अभी हम जा रहे हैं अपने गांव के इष्ट देव के, इष्ट देव मंदिर के पास, वहाँ पर हमने दिया बत्ती करनी है। उसके बाद हम आएंगे दूसरी जगह, वो भी दिखाएंगे हम आपको। अभी हम जा रहे हैं भूमिया मंदिर,
तो वहाँ पर दिया बत्ती करेंगे और उसके बाद चलते रहेंगे मंदिरों में। कुछ मंदिरों में हमने दिया बत्ती करनी है, उसके बाद हमने तो दोस्तों देख सकते हैं आप सामने उम्मिया देव का मंदिर, पंचकोटी देवों से एक जो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट तो दोस्तों मेरी घरवाली मेरे से नाराज होने लग गई है, ऊपर खोलेंगे थोड़ा सा क्योंकि जय हो माता दीदी। आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा इस मंदिर को। जय हो शाबाश दोस्तों, ये है गोता यानी कि गाय का पुत्र। अरे यार वो लाना भूल गए यार, क्या बोलते हैं उसको, जय शनिदेव जय महाराज। सो फ्रेंड अब हम दूसरे मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर दिया बत्ती करके हम जाएंगे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा क्लोज हो रहा है। और ये है मंदिर का द्वार। तो मिसिज अभी थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी हो रही है धीरे धीरे जैसे जैसे हम मंदिर डाली वाला है क्या ये जी। तो जैसे जैसे हम लोग आगे मंदिर में जाते जा रहे हैं और इनका मूड भी थोड़ा सा ठीक होते जा रहा है, तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही मूड बने रहे और आगे खुशी रहे ताकि मेरे लिए कोई दिक्कत ना आए आगे। और इसको जुकाम भी लगा था कल रात से। तो दोस्तों अब बारी है यहाँ पर चप्पल। जय भूमिया जय भगवती। तो दोस्तों अब आगे का सफर धीरे धीरे बढ़ता हुआ और ये आ रहा है बकरी का मालिक तगड़ा। साहिबान कदरदान और मेहरबान। तो ये है हमारे भाई लोग यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वाला काम करते हुए देख सकते हैं आप। पनीर वाला रोड बन रहा है क्या, मान गए। अरे बुबू देखो, अरे मान गए, बोतल पे बोतल। नहीं ये दिमागी वाली बात होती है भाई, ये लगाया दिमाग बुबू ने। ये सुहाने पल मुलाकात।
तो ये है अपना खूबसूरत नज़ारा, देख सकते हैं ये है बगल में ग्राम सभा एक ही ये पर गांव अलग, यानी कि ये है सन्न का गांव। ग्राम सभा लेलू में आते हैं जी, काफ़ी सुंदर नज़ारा गांव का। और ये है अभी से यहाँ का बोर्ड कहाँ गया, यहाँ पर बोर्ड था यार उखाड़ दिया वो भी। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अभी पंचकोटी खाल में, जय बोलो पंचकोटी देवताओं की जय। ये कौन है रे लट्ठू वाला? ए बाबू नमस्ते कौन करेगा, नमस्ते कौन करेगा? बच्चे रहो कितना बड़ा, अरे मान गए मेरी तरह सिखा रखा है इसको भी यार, गुड। क्या नाम है, नाम बता दे। पापा ले देगी मूर्ति यार फोड़ देना। जैसा कि हम लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है, दिया बत्ती करके हम आए अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों अभी हम लास्ट मंदिर के पास पहुंच गए दिया बत्ती करके, अब वापसी घर की तरफ। तो ये है लास्ट मंदिर, वैसे तो मंदिर और भी थे ऊपर को, लेकिन वहाँ भी शुद्ध नहीं है, मतलब यानी कि कुछ अशुद्ध हो रखा है। और ये जो लास्ट टॉप दिख रहा है इसके बाद ऊपर है असुरदेव, जो पिछली बार एक बार गए थे हम लोग मूर्ति जलाने। तो अगली बार चलो काट देंगे इसको। तो दोस्तों हम लोग मंदिर से आते रहते हो, लेकिन यहाँ पर हमको बाहुबली के दर्शन हो गए, देख सकते हैं आप। यह है हमारे गांव का बाहुबली। ये देख सकते हैं इसका चेहरा खतरनाक है भाई, इसके सामने जाने। और ये बताते हैं कि ये बाहुबली जो है इसके पापा का बच्चा, मतलब यानी कि इसका पापा इससे भी दुगना था। आप देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा होगा वो, जो अभी इनके जो मालिक डुबू। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे डुबू डुबू बाबा, ले 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 डुबू। बहुत दूर बड़ी देख सकते हैं, सारी तैयारी हो चुकी है और लौंडा भी आ चुका है यहाँ पे दौड़ने के लिए। अभी हो रही है, अभी हो रही है, देखो ढोक बैठ। अरे देवेंद्र आप क्या करते हो देवेंद्र? आमा के साथ झगड़ा क्यों रखे है? दरवाजे में मैं घास काटने के लिए जाती हूँ गाय के लिए, वो गाय दूध देगी तो क्या करेंगे, खाद बनाएंगे दही बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप जैसे मम्मी लोग यहाँ पर, मम्मी के कमेंट कैसे कैसे आते हैं। मम्मी मतलब पूरी हिंदी बोलते हैं लेकिन उसमें पहाड़ी मिक्स कर देती है, और तो हो जाती है वो लाती, तो मजा आ जाता है मतलब इनकी मम्मी की भाषा सुन के, क्योंकि माँ तो माँ है, पता ही है आप लोगों को, जैसी भी है अच्छी है, माँ तो माँ है। लेकिन आप लोग कभी इस चीज़ का बुरा मत माना किसी चीज़ का भी, अपने मम्मी का, अपने पापा का, किसी का भी, क्योंकि लोग कहते हैं ना यार माँ बाप क्या क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का बुरा कभी मत मानना, क्योंकि माँ बाप होते हैं और परिवार में हर कोई अपना अपना स्थान बनाए रखता है। जैसे कि ये है हमारा, ये आजकल पता नहीं क्यों रूठा रूठा रहा है, जैसा मुंह बना रहा है आजकल हमारे लिए। तो जैसा भी है ठीक है, ये कभी खुश हो जाता है कभी रूठ जाता है मेरे से, तो आज पता नहीं किस वजह से रूठा है, दांत तो दिखा रहा है। तो बेटा खाना खाया नहीं खाया तूने, ये बता पहले है। चल ठीक है हाँ ओके। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हैं, फ्रिज लगवा, फ्रिज नहीं लग रही, धक्का दे नहीं लग रही, लग रही
तो दोस्तों देख सकते हैं मम्मी यहाँ पर करेले मतलब यानी मीठे वाले करेले होते हैं ये गाँव घरों में। तो दोस्तों हो चुकी है पैकिंग और ये मैडम देख सकते हैं आप ये कर रही है पैकिंग फूलों की। तो दोस्तों हम लोग तैयार हैं, ये है हमारा सामान छोटा सा मोटा सा और हम चलने की तैयारी में कर रहे हैं। तो जय जय और हम लोगों ने लगभग खाना ना खा के अब है सोने की बारी। देख सकते हैं आप यहाँ पे लड्डू और लड्डू की मम्मी खेल रही है तो हम भी अब सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि ये तो अभी सोएगी नहीं और इसका टाइम होता है लगभग 11-12 बजे तक क्योंकि अभी खेलने का क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी ये 4 या 5 बजे के टाइम पर तो उसके बाद अब ये अभी सोएगी नहीं। इसका रोज़ का टाइम ऐसा ही होने वाला है। चलिए कहते हैं बच्चे अपना टाइम खुद ही बना लेते हैं लेकिन बच्चों का टाइम अलग करने के लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है माँ बाप को। लेकिन अब क्या करें काम भी करना पड़ता है हम लोगों ने और थोड़ा सा इसके नानी लोग देख लेते हैं इसको लेकिन अब उनके पास सो जाती है तो ये सुला देते हैं। तो दोस्तों हम भी ख्याल रखेंगे और आप भी ख्याल रखें अपने बच्चों का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारा अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार आने वाला है क्योंकि काफ़ी अच्छा आने वाला है तो देखते रहें दोस्तों और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और दोस्तों हमें सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग तहे दिल से